नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आप उनके यूट्यूब चैनल में। तो मेरे 3 महीने पुराने जो ब्लॉग्स थे उनमें से एक ब्लॉग है जो मेरा ऑफिस का ब्लॉग था। आई थिंक 4 महीने हो गए, नहीं 3, हाँ 4 महीने हो गए टेली परफॉर्मेंस के ब्लॉग को, ऑफिस ब्लॉग को। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उसका मतलब अपना एक्सपीरियंस बताइए, कंपनी कैसा था, उसका वर्क कल्चर कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था। तो मैं बता दूँ, सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए तो आप naukri.com ऐप जो है वो डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करके अपना रेज्यूमे जो है वो अपना वहाँ पे अपलोड कर दे, वो सबसे बेस्ट तरीका है। और कोई भी रिक्रूटर जब आपको रिक्रूट करता है या जॉब के बारे में बताता है तो वो आपसे पैसे नहीं लेता। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि जॉब दे देंगे आपको, 2000 रुपये आपको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे अच्छे कंपनी कभी पैसे नहीं लेते, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आपको वही करना था। और रही बात टेली परफॉर्मेंस की, तो अगर आप मुझे बोलोगे 10 में से रेट करने को तो मैं टेली परफॉर्मेंस कंपनी को दूंगी 9 आउट ऑफ 10, 9, ठीक है। और अगर वर्क कल्चर की बात करें तो बहुत अच्छा था। कोई भी कंपनी है ना, कॉरपोरेट जॉब में कोई भी कंपनी ऐसे है ही नहीं कि हाँ ठीक है तुम बिना काम किए पैसे ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। 8 घंटे आपको काम करने ही करने हैं। मगर हाँ, दूसरे कंपनी के वो मैं बोलूँ, कंपैरिजन में बोलूँ तो टेलीफोन से इतना प्रेशराइज वाला काम नहीं था, और उन्होंने कभी प्रेशराइज भी नहीं किया कि नहीं तुम करो ही करो। और मेरे जो TL वगैरह थे वो लोग भी बहुत अच्छे से समझते थे। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर कंपनी अच्छी थी तो मैंने क्यों छोड़ा, मेरे छोड़ने का रीज़न था इमरजेंसी आ गई थी, घर में एक एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। एक्चुअली मुझे वीडियो पहले ही बनाना था बट यहाँ पे इंटरनेट नहीं है सही से, तो आज बना रही हूँ। तो वर्क कल्चर की बात करूँ तो काम बहुत अच्छा था, और सैलरी जो वो लोग एज ए फ्रेशर फ्रेशर को दे रहे थे 24K इन हैंड दे रहे थे वो लोग, याद ही नहीं है, हाँ 24K इन हैंड दे रहे थे, और 28 आपका CTC था, इतना ही मुझे याद है। अगर मुझे ईमेल वगैरह से अगर मिल जाता है सैलरी स्लिप या जो ऑफर लेटर था तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगी आपको, उतना मिला था। इसके बाद सबसे अच्छी बात कि वो लोग आपको कुछ भी काम ऑफिस से तो बोट साइड कैब प्रोवाइड करते हैं, और आपको खाना भी प्रोवाइड करते हैं जो कि वो भी अनलिमिटेड था। और ऐसी कोई चीज़ थी नहीं टेलीफोन्स में जो मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ मेन चीज़ ये सब जो मैं जो भी एक्सपीरियंस बोल रही हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनल प्रोसेस में थी। इफ़ यू डोंट नो डोमेस्टिक प्रोसेस एंड इंटरनेशनल प्रोसेस, डोमेस्टिक प्रोसेस अगर आप इंग्लिश, हाँ माई नेम इज़ मोएक ताएंग, मैं इतनी क्लास में पढ़ाई करती हूँ, सॉरी करती थी, या अपना इंट्रोडक्शन दे देते हो तो आप डोमेस्टिक प्रोसेस में जाओगे। एंड इफ़ योर इंग्लिश इज़ फ्लुएंट और विदाउट एनी ग्रामर एरर्स, और बहुत अच्छे से आप मतलब वो कर लेते हो, कम्युनिकेशन कर लेते हो किसी के साथ, तो ही आपको इंटरनेशनल प्रोसेस में चांस मिल सकता है। तो इंटरव्यू का तो मेरा 3 या 4 राउंड था, वर्सन वगैरह, HR वगैरह कुछ कुछ था, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बोलना था, कंपनी बहुत अच्छी है, दूसरे कंपनी का नाम तो मेंशन नहीं करूँगी बट बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिससे कहीं गुना टेली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। सो मैं एज ए फ्रेशर तो अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी ये कंपनी। बाय बाय।